शांति आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अपनी स्वस्थिति के लिए जो श्रीमत दी है उसे पक्का करेंगे। पहले स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर दे, मैं ब्राह्मण आत्मा अपने पांचों ही स्वरूपों को देख रही हूं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो भक्तों का इष्ट अनादि आत्मा अपने सारे स्वरूपों को देख रही है। बाबा ने आज मुझ आत्मा को सावधानी दी, बच्चे इस धोखेबाज आंख को सिविल बनाना है। इसके लिए ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण करना है। कर्मेंद्रियों को शीतल सतोगुणी बनाने की मेहनत करनी है। मैं ब्राह्मण आत्मा आज पूरा दिन ये अटेंशन रखूंगी। बाबा ने कहा धंधे आदि से कारोबार से टाइम निकाल, स्वयं को देखना है। हमारा चार्ट कैसा है, योग क्यों नहीं लगता है, अब अपनी अनादि स्थिति में आ जाए। मैं अनादि पवित्र आत्मा चमकता सितारा एक सेकेंड में बाबा से कंबाइन याद स्वरूप। आज बाबा ने कहा बच्चे कैसे याद होनी चाहिए, जिससे बांधिन या बाप को याद करती है, क्या ऐसी प्यार भरी याद मुझ आत्मा की है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाबा कहते बच्चे याद का चार्ट रखो, डायरी रखो,
क्या मुझे इतना याद भी नहीं करते हो? आज बाबा ने कहा, बच्चे चार्ट रखेंगे तो लज्जा आएगी, तो आज बार बार स्वयं को आत्मा निश्चय कर याद में मगन रहेंगे। यही मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बनाएंगे तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। एकांत में जाकर आज ये अभ्यास पक्का करेंगे। अब अपने परिस्ता स्वरूप को सामने देखें। सदा बाप के साथ अचल अडोल स्थिति में रहने से निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर आता जाएगा। फरिश्ता स्थिति सदा अचल अडोल अवस्था है। प्रैक्टिस करें। डबल लाइट स्थिति में रहकर कर्म करने की, मैं फरिश्ता हल्का बाप के साथ कंबाइंड, अपने देव स्वरूप को देखें। बार बार अपनी ये संपन्न स्थिति को देखना है और नई दुनिया की सैर करनी है। श्रीमत पर चलकर ऐसी देवी राजधानी हम स्थापित कर रहे हैं जहां सर्व कर्मेंद्रिया शांत सतोगुणी होती है, देही अभिमानी स्थिति होती है। तो अब देवता स्थिति में आकर अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें। अब अपने इष्ट स्वरूप को देखें। नवरात्रि के आज के पांचवें दिवस पर परक शक्ति की देवी मां गायत्री उस स्थिति में स्थित हो जाए। हंस पर आसीत दिव्य बुद्धि देवी मां गायत्री में हूं।
गायत्री माँ को देखे। हंस पर आसित, ये मेरी स्थिति का यादगार है। साथ में कमल के समान न्यारी और प्यारी अवस्था रहे तो परख शक्ति स्वतः ही आती जाएगी, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो ये पांचों ही स्वरूपों को याद कर बाबा की श्रीमत को पक्का करें।